नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की। बदायूं जनपद के समरेर ब्लॉक के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में जहरीली भोजन से करीब 28 बच्चे बीमार हो गए हैं। बता दें, जिनमें से सभी लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 8 बच्चों को गंभीर हालत में बताया जा रहा है। बता दें, इन सभी बच्चों को CHC दातागंज में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो बदायूं का ये मामला जहाँ पर 28 बच्चे की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, सिर्फ जहरीला खाना खाने से, जहरीला भोजन खाने से करीब 28 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बच्चे बीमार हो गए फ्रेंड्स, इन्हें CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर अभी इनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। बात बदायूं की जाए तो बदायूं में समरेर ब्लॉक जो आता है, तो समरेर में जो बना हुआ आश्रम पद्धति विद्यालय, पीछे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 28 बच्चे जो है एक भोजन करने से, अब किस तरह का भोजन था वो बच्चों से भी जानेंगे कि किस तरह की उन्होंने भोजन किया है जिससे जो है बीमार हुए हैं। और एक कहा जाए तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही को देखते हुए कि जिस तरह से अगर भोजन बनाया जाता है तो किस तरह उनको चेक करना चाहिए था और भोजन में किस तरह की कमियों के चलते यहाँ दिए जा रहा है। आश्रम पद्धति का विद्यालय बताया जा रहा है, इसमें 28 बच्चे जो है बीमार हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, देख रेख के लिए हमारे साथ एक जो महिला वहाँ पर रहती हैं, क्या हुआ था, किस कारण से जो है बच्चे बीमार हुए थे? सर कुछ नहीं, वो आलू लौकी बनी। हाँ। तो वो आलू लौकी में कुछ डिच थोड़ी होगी और तो सब सही सब। अच्छा, कितनी संख्या में बच्चे बीमार हुए हैं? तो ऐसे 28 बच्चे है, उसने थोड़ा थोड़ा खा लिया और बच्चे ने खाओ ही नहीं खाना हो। अच्छा। हाँ, बंद करा दिया खाना हमने, दूसरा के आलू बनवाए और। अच्छा। हाँ। तो ये जो 28 बच्चों ने भोजन किया और 28 बच्चे बीमार हो गए, तो यहाँ पहले अगर बात की जाए तो यहाँ भोजन की किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, कौन 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 लोग वहाँ भोजन पे रहते हैं, तो उनको किस तरह का व्यवस्था को देखते हुए ये व्यवस्था को सब देखते हैं, सही देखते हैं वे लोग। हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जो एक कहा जाए तो फूड पॉइजन से के शिकार हुए हैं, और एक बड़ी संख्या कही जाए तो अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है, अगर किस तरह के अगर भोजन की बात की जाए तो वहाँ किस तरह का भोजन था और आप खाने के बाद किस तरह की दिक्कतें हुई जिसके बाद जो है प्रशासन आपको यहाँ एडमिट कराए है? कड़वी सब्जी थी और पेट में जलन हो रही थी खाने के। अच्छा, खाना खाने के बाद फिर कौन कौन सी सब्जी जो थी वो आप खाए थे? दाल थी और आल सब्जी, लौकी। फिर आपने यहाँ कैसे आए, किसको सूचना दी? पलटी हो रही थी तो आंटी थी उन्हीं के साथ आए। हमारे साथ और भी बच्चे, अगर पीछे को जो मैं दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर एक समरेर CSC की अगर बात की जाए तो यह कोविड सेंटर के लिए जो बेड तैयार किए गए थे उन बच्चों को यहाँ रखा गया है और लगभग सभी बच्चों की जो स्थिति है अभी नॉर्मल बनी हुई है। हमारे साथ जो कुछ बच्चे हैं अभी तक, जी बेटा, क्या भोजन में ऐसी क्या चीज़ खाई थी और किस तरह का भोजन था जिससे आप लोगों का जो है स्वास्थ्य बिगड़ा? सर हमने खा ली, थोड़े से आलू खाए थे, लौकी आलू, तभी चावल थोड़े से खाए थे, तभी देखो तभी चक्कर से उनको कविता को पलटी आई, तब अंकल आए थे, उन्होंने मना कर दिया। मत अच्छा, सभी बच्चों को जो है पलटियाँ आई थी क्या? 3 बच्चों को आई थी और बाकी को चक्कर ऐसे ही आ रहे थे, दर्द हो रहा था, जलन मच रही थी। अच्छा, वहाँ पे अगर बात की जाए तो एक बड़ी संख्या बताई जा रही है, लगभग 400 के आसपास वो उस आश्रम पद्धति विद्यालय में 400 की संख्या रहती है और 400 बच्चों में से जो है कुछ लोग ही भोजन कर पाए थे जिसमें से 28 बच्चे जो है बीमार हुए थे। अगर बात दातागंज और समरेर CSC की बात की जाए तो समरेर CSC पे इस समय जो है 20 बच्चे जो है यहाँ पर एडमिट किए गए हैं और 8 बच्चों को रेफर करके जो है दातागंज CSC पे भर्ती किया गया है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो इसके शिकार हुए थे, क्या बेटा किस तरह का भोजन था और उनसे दिक्कत क्या हुई, क्या नाम है आपका? आरती। सर जब हमने खाना खाया था तो कड़वा लगा था, जब हमने थोड़ा खाया था तो उसके बाद हम फील्ड में ठहरने लगे तो हमें सर चक्कर आ रहे थे और पेट में जलन भी हो रहा था। तो हमने रूम में आके लेट गए थे तो सर और भी बच्चे परेशान हुए थे, मैम को बताया था तो मैम ने आप सर को बुलाया था तो उन लोगों ने दवाई दी तो सर ज़्यादा गंभीर हो गई थी तबीयत तो फिर सर यहाँ एडमिट करा दिया। अच्छा, उसमें से ये बताया जाता है कुछ गार्ड जो उन्होंने भोजन किया था वो भी बीमार हुए थे, तो क्या यहाँ वो उनको यहाँ लाया गया था? नो सर। अच्छा,
अगर हमारे साथ और भी वहाँ विद्यालय के जो बच्चे हैं जो लोग नहीं हुए थे, अगर उन्होंने भोजन नहीं किया था, जी मैं बात करूँगा कि आप जो है उसी विद्यालय की छात्रा हैं, तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर भोजन की व्यवस्था किस तरह की है? या तो भोजन को चेक नहीं किया जाता है, या सब कुछ कैसे चल रहा है वहाँ पर? भोजन को तो चेक किया जाता है, लेकिन हमने तो खाना खाया नहीं उस दिन। पर यह था कि चेक तो किया गया, पर भैया खाना खा रहे थे तब तक बच्चों को, जो चेक करते हैं भैया वो खाना खा रहे थे तब तक बच्चों को भी खाना दे दिया गया। अच्छा। फिर जब खाना दे दिया गया, जब भाई ने खाना खाया तब उन्होंने बताया कि खाना रोक दो, तब तक 5-6 बच्चे खा चुके थे। भैया खाना भी चेक करते हैं, नाश्ता भी चेक करते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो भी खा रहे थे और बच्चे भी खा रहे थे। जब उनको पता चला उन्होंने मना किया, मना करने पे खाना रोका गया, तो 5-6 बच्चों ने ही खाना खाया था। और जब यहाँ पर जैसे जिस तरह से 28 बच्चे जो है बीमार हुए हैं, तो क्या लगता है कि 5-6 बच्चों ने ही खाना खाया था या 28 बच्चों ने खाना खाया? तो कैंटीन में थे नहीं, तो बच्चों ने तो यही बताया कि 5-6 बच्चों ने ही खाना खाया, बाकी बच्चे डर की वजह से, घबराहट की वजह से मतलब ऐसे हुए हैं। पर जी 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 आपके जी जी एक जी हम लोग खाना खा रहे थे, पता नहीं सर ने चेक किया या नहीं। हम लोग खाना खा रहे थे तो वह कड़वी लगी थी आलू की सब्जी, तब हम लोग गए थे, हम लोगों ने जाके बोला था कि भैया कड़वी सब्जी है। फिर उनकी उसके बाद फिर से उन्होंने चेक की, तब खाना मतलब कि बंद करवा दिया, दूसरा खाना बना था उन लोगों के लिए। अच्छा। और हम लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी तब तक किसी बच्चे ने खाया। अच्छा, क्या अगर बात खाने की आती है तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे किस तरह की हैं, जहाँ आप जिस हॉस्टल में आप कैंपस में जिसमें रह रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहाँ? व्यवस्थाएं तो सही है, पर गलती उन्होंने चेक तो किया था, पर पता नहीं अब आगे। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की लापरवाही तो साफ नज़र आती है, साफ दिखती नज़र आती है कि बिना भोजन को चेक करने से पहले जो है बच्चों को भोजन दे दिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बदायूं। वही रहमतों का महीना कल चांद देखने के बाद से शुरू हो गया। बता दें मुस्लिम धर्म के लोग चांद देखने से पहले ही बाजारों में सामान खरीदने निकल चुके थे, और निकले भी क्यों ना, क्योंकि पूरा महीना बरकतों का माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में एक गुणा सवाब का काम करने के लिए एवज में 70 गुणा सवाब मिलता है। लोग रमजान के पूरे महीने तमाम नमाजों से अलग तरावीह भी पढ़ते हैं। बता दें इस महीने में पूरे 30 रोजे रखकर खुदा को राजी करने का काम भी किया जाता है। रमजान के चलते आज बाजारों में भारी रौनक भी देखने को मिली, और क्यों ना हो, क्योंकि 2 साल कोरोना के गुजरने के बाद इस बार लोग एक साथ तरावीह की नमाज अदा कर पा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तरावी का अहतमाम लोग अपने अपने घरों में कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कोरोना की बीमारी ख़त्म हो गई और इस मरतबा तरावी का अहतमाम मस्जिदों ही के अंदर किया जाएगा। ये तरावी की जो नमाज है सुन्नत मुअक्कदा है, ये मर्दों पर भी ज़रूरी है और औरतों पर भी ज़रूरी है। अलबत्ता औरतें तरावी की नमाज अपने घर के अंदर पढ़ेंगी और मर्द मस्जिदों में जाकर जमात के साथ इसको अदा करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रमज़ान के महीने में तरावी का अहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले गुनाह माफ़ कर देता है। वही रुद्रपुर में कई वर्षों से नेपाल से गायब नाबालिग बच्चे को टीम की संयुक्त कार्रवाई से रुद्रपुर के एक मंदिर से बरामद किया गया। बता दें रुद्रपुर के बालाजी मंदिर से नाबालिग को बरामद किया गया है, जिसमें बाल कल्याण समिति, बचपन बचाओ समिति और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की बात कही। बता दें कि नेपाल निवासी नाबालिग 11 साल की उम्र से घर से गायब थी, जिसके बाद नाबालिग के भाई रोहन ने नेपाल में तहरीर देकर गुमशुदगी की दर्ज की थी और खुद भी अपने स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी थी, जिसके बाद नाबालिग के भाई ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को ढूंढ निकाला। मामला पूरा ये था सर कि ये बच्चा वृंदावन में मिला इस बाबा को, छोटे में 3-4 साल पहले वृंदावन में मिला, तो बाबा के यहाँ आ गया। बाबा के यहाँ इसने काम किया, बहुत काम किया, ठीक, और बाबा के अत्याचारों से पीड़ित होकर के ये भाग गया नेपाल, अपने घर चला गया, ठीक। उसके घर के जाने के बाद फिर वो नेपाल से अपना घूमने निकला सरसा बालाजी, राजस्थान में पड़ता सर ये, वहाँ पर इस बाबा की नज़र पड़ गई। बाबा जी की नज़र पड़ गई तो इसको यहाँ लिया। अब बच्चा धीरे धीरे बताएगा, अभी तो रिलैक्स होगा बच्चा थोड़ा सा, है ना, काउंसलिंग हो रही बच्चे की, तो बताएगा सारी चीज़ें को वो बताएगा। लेकिन मोटी मोटी बात है कि इसके बड़े भाई ने जो नेपाल में रहता है, खास बड़ा भाई है, ये दोनों ही बेचारे और कौन इसका इनका है नहीं, तो उन्होंने हमको मेल किया,
बचपन बचाओ आंदोलन को कैलाश सत्यार्थी जी को कंप्लेन किया कि भाई हमारी मदद करो, हम तुरंत मदद के लिए आए सर, और आप सब लोगों ने आपने देखा कि कैसे मदद हुई है और कैसे शासन प्रशासन से सभी अधिकारी, अब क्या छुट्टी का दिन है सर, सब लोग आए। सीओ साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एसएसपी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा, चाइल्ड लाइन का धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बात तो मेरा भाई 4 साल से इधर रह रहा है, ट्रैप में रह रहा है, तो आज से 4 साल पहले एक बेहला लाकर उसको यहाँ लाए थे ये बालाजी के मंदिर में, तो वो 4 साल तक निकल नहीं पाया, 3 साल तक, 3.5 साल तक, तभी यहाँ के जो अच्छे लोग हैं आसपास के उनकी मदद से उनको उसने बताया उन लोगों को कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे मारते हैं पीटते हैं, मुझे यहाँ से निकलना है, ये बहुत गंदी जगह है, मुझे घर जाना है, तो उसके बाद कि कुछ लोगों ने उसकी मदद किया और रातारात उसको नेपाल भेज दिया। तब मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने मेरे भाई को रिसीव कर लिया, तब कुछ समय भाई के साथ समय बिताई, 5-6 महीने हमारे साथ रहा, तो उसने बताया कि बहुत मारते हैं, बहुत गंदी तरह से मारते हैं, बहुत पीटते हैं, खाने भी अच्छे से नहीं देते, तो उसने बताया उधर फिर से नहीं जाना है, बहुत दुख देते, तो वो थोड़ी बहुत भक्त मन है उसका, तो घर के भी आसपास में मंदिर में जाता था, पूजा में जाता था, उसी संदर्भ में वो ये जयपुर का एक मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए आया था, अभी नेपाल जाने के बाद अभी भी आया था 1 महीने पहले, तो मुझे भाई से भी पता चला और मुझे इन्फॉर्मेशन से भी पता चला कि वो जब दर्शन करने आया था एक दो दिन हुआ था तो इन लोगों को पता चला कि फिर वो आ गया है।